रेप ऑफ द लॉ क्लासिकल पोइट्री में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की पोएम है. रेप ऑफ द लॉक जो है ये दैट इज रिटन बाय द पॉप. पहले पॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हु इज पॉप एंड एलेक्जेंडर पॉप था कौन. यहाँ पे देखिएगा एलिक्यूज कुछ लिखे हुए हैं. व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाइल इन क्रिएटिव लिटरेचर. हाउ डू राइटर यूज डिक्शन इमेजरी टोन स्पेशली ह्यूमरस और आयरनिक टोन टू रिवील इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक एटीट्यूड. यहाँ पे है कि जी क्या रोल है और सिग्निफिकेंस है स्टाइल इन क्रिएटिंग लिटरेचर. अभी आप देखें हम लोगों ने पीछे चौसर से स्टार्ट किया था. चौसर के अंदर हमने देखा कि उसने जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया और एक जो है उसने दिखाया कि वो लोग किसी सफर पे जाते हैं और वो उसको लिखते हैं, यानी कि लिरिक फॉर्म में उसने लिखा. उसके बाद हमने जो है वाइट एंड सरे को पढ़ा और वाइट एंड सरे में हमने देखा कि वो सोनेट्स थी, यानी कि दैट वाज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री क्रिएटिव लिटरेचर जो है. उसके बाद फिर हमने एपिक पढ़ी, दैट वाज द पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन. और अब जो है हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द मोक एपिक. व्हाट इज द मोक एपिक. मोक एपिक कहते हैं मोक करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की मिमिक्री करना. ठीक है, सेम इज द केस जैसे हम कहते हैं ना वो जो देवदास वाली मूवी कोई आई थी एक, और उसकी फिर मोक भी बनाई गई थी जो पाकिस्तान में कोई फैसलाबादी कोई ड्रामा था उन्होंने बना दिया था उसका. तो वो जो है क्या होता है कि जब आप किसी भी लिटरेरी वर्क की पैरोडी करते हैं या किसी भी ड्रामा की नॉवल की पैरोडी करते हैं तो हम कहते हैं ये मोक है. मोक एपिक मीन के नकली जो एपिक या एपिक के टोटली उलट कर दिया गया. तो बेसिकली रेप ऑफ द लॉक इज द मोक एपिक. मोक एपिक में क्या होता है कि उसके अंदर हर चीज यूज होती है. हाउ डू राइटर्स जिस मतलब उसमें डिक्शन इमेजरी और टोन स्पेशली ह्यूमरस और आयरोनिक टोन यूज की गई है ताकि रिवील किया जाए इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक एटीट्यूड्स को. नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉप की लाइफ देख लेते हैं. दैट इज जस्ट अ समरी जो आज हम करने जा रहे हैं. बॉर्न May 21, 1688 रिस्टोरेशन लंडन. ठीक है, ये जो है पैदा हुआ बॉर्न May 21, 1688 को लंदन में. क्रिपल्ड एट 12 हंसबैक. ठीक है, ये जो है 12 साल की उम्र में जो है ये जैसे किसी का कुंभ निकल आता है, आपने कभी देखा किसी को बीमारी हो जाती है या किसी को नॉर्मली टाइफाइड का अटैक होता है या गर्दन तोड़ बुखार होता है तो उसकी बॉडी के कुछ मसल्स होते हैं जो वहां से कोलैप्स हो जाते हैं या हड्डी की जो है एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है. तो आपने कभी देखा होगा किसी का कंधा उठा हुआ होता है. तो पॉप जो है एक्चुअली ही इज जस्ट लाइक दैट. मतलब एक तरह से वो हाफली पैरालाइज्ड इंसान था और वो जो है हंचबैक था, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं कि उसका कुंभ निकल आता है. इवन पंजाबी में भी ऐसे ही कहते हैं. Never married, कभी उसने शादी नहीं की, but involved with two women in his life, Martha Blount and Lady Mary Wortley Montagu. Never formally educated because he was Catholic. Gained an appreciate for classics and writing, conformed to strict writing rules. Greatest work at 24 was The Rape of the Lock, a mock heroic. Financially independent through translations of the Lied and Odyssey. ग्रेटेस्ट वर्क जो है उसके 24 साल की उम्र में उसने लिखे जो कि रेप ऑफ द लॉक था, एक मॉक हीरोइक पोएम उसने लिखी थी और फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट था थ्रू ट्रांसलेशंस ऑफ लाइड एंड ऑडिसी. डाइड 1744 ट्विकनहैम में उसकी डेथ हुई. उसके बाद पॉप की राइटिंग देखते हैं कि एलेक्जेंडर पॉप जो है उसकी राइटिंग कैसी थी. फर्स्ट पीरियड देखते हैं, पेस्टोरल्स. उसने पेस्टोरल्स लिखी 1709 में. टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर Essay on Criticism and Rape of the Law. जो most important poems थी उसकी वो थी Essays on Criticism और Rape of the Law. यानी कि उसने जो है first period में pastorals लिखी थी और उसके बाद Essays on Criticism लिखा था और फिर Rape of the Law. फिर second period में उसने Lied की translation की थी, Odyssey की translation की थी, यानी कि ये दोनों epics थी. Third period जो है उसने Dunciate 1728 और Essay on Men, ये उसके थर्ड पीरियड ऑफ लाइफ में.
उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज 18th सेंचुरी बैकग्राउंड, 18th सेंचुरी क्या थी और रेप ऑफ द लॉग जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, यानी कि 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई। नाउ जस्ट सी द सेंचुरीज कि कौन कौन सी बुक कौन सी सेंचुरीज में आई। सबसे पहले चौसर पढ़ी थी 14th सेंचुरी पोइट्री, फिर उसके बाद हमने व्हाइट एंड सरे पढ़ा 16th सेंचुरी पोएम पोइट्री, ठीक है। उसके बाद हमारी आई थी पैराडाइज लॉस्ट जो कि मिल्टन की थी, और मिल्टन की जो थी हमारी दैट वाज द सेंचुरी ऑफ एज ऑफ मिल्टन जो थी वो थी आई थिंक दैट वाज द, उसको वैसे एज ऑफ मिल्टन ही कहा जाता था लेकिन इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता था, एंड दैट इज ऑल्सो बिटवीन 17th सेंचुरी। एज ऑफ मिल्टन जो थी वो 17th सेंचुरी थी, और उसके बाद जो है हमारी जो रेप ऑफ द लॉक है दैट इज 18th सेंचुरी पोइट्री, ठीक है, दैट वाज 18th सेंचुरी। अब देखें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी सेंचुरीज की तरफ आ रहे हैं, तो अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज 18th सेंचुरी बैकग्राउंड। 17th सेंचुरी में तो रेप ऑफ द लॉक रेप ऑफ द लॉक लिखी गई थी, अब चलते हैं जनाब 18th सेंचुरी बैकग्राउंड। 18th सेंचुरी जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट वाज द ऑगस्टन एज जो कि 1660 से 1780 जो काउंट की जाती है, इसी को हम पॉप एज भी कहते हैं, जैसे 17th सेंचुरी को हम मिल्टन एज कहते हैं, एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। एक्चुअली हुआ ये था, जैसे चौसर की एज है ना 14th सेंचुरी को चौसेरियन एज भी कहते हैं, चौसेरियन लिटरेचर भी कहते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि इन पोइट्स ने इतना ज्यादा क्लासिकल पोइट्री में काम कर दिया कि इनकी जो एजेस थी इनकी जो सेंचुरीज थी उनको पोइट्स का नाम दे दिया गया कि एज ऑफ पॉप, एज ऑफ मिल्टन, देन एज ऑफ चौसर, ठीक है, इसको इस तरीके से नाम दे दिया गया या चौसेरियन एज कहा गया। तो अब ये ऑगस्टन एज आ जाए और एज ऑफ एनलाइटमेंट आ जाए या एज ऑफ या पॉप एज ऑफ पॉप आ जाए या पॉप एज आ जाए, तो वो बेसिकली 1660 से 1780 को ही रिप्रेजेंट करती है। Bracketed between rigid scholarships on 17th century and scientific religious skepticism on the 19th century. ये जो है bracket है between rigid scholarship of 17th century और scientific religious skepticism 19th century पे जो है bracketed करती है, यानी कि उस पर based करती है। Interest in society, इसका main जो interest है वो society है। Milton में हमने जो paradise lost पढ़ी थी उसमें main interest society नहीं था, मेन इंटरेस्ट उसका हेवनली जो थी, यानी कि उसका जो एम था वो क्या था कि उसने एक थीम के ऊपर वो पोएम लिखी थी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे भी हम एक थीम तो पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ इंटरेस्ट इन सोसाइटी भी पढ़ेंगे एंड सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। उसका सोसाइटी इंटरेस्ट इन सोसाइटी और सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो अपना भी रोल जो है वो पोर्ट्रे करेगा उस सोसाइटी के अंदर कि मेरा जो रोल है, यानी कि एज अ मोरलिस्ट, एज अ प्रीचर, एज अ टीचर, पॉप जो है वो हमें क्या मैसेज देता है बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ऑल एस्पेक्ट्स पॉलिटिशियन टू सर्वेंट एग्जामाइंड, ठीक है, तमाम एस्पेक्ट्स हम देखेंगे इसमें उस सोसाइटी के, पॉलिटिशियन से लेके सर्वेंट तक वो हम एग्जामाइन करेंगे किसमें, ऑगस्टन एज में ये सारी चीजें देखी है। फिर सेटराइज रूथलेसली, सेटराइज किया गया रूथलेसली, राइटर डिपेंडेंट ऑन पैटर्न बट कुड नॉट कुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, राइटर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन पैटर्न पे लेकिन बट कुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी है, यानी कि उसको एक पैटर्न तो फॉलो करना है लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी लिखता है। प्रिंटिंग प्रेस केम टू एज, एक्सपेंडिंग हेल्दी इकोनॉमी, सिविलाइज सोसाइटी, लंडन एक्सोटिक आइडियाज एडमायर, ठीक है, उसकी जो सिविलाइज सोसाइटी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, लंदन को, और एग्जॉटिक आइडियाज एडमायर, और उसके एग्जॉटिक आइडियाज जो है उनको एडमायर किया जाएगा। रेप ऑफ द लॉग जो है वो 18th सेंचुरी लंदन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है, ब्रिटिश हो या लंदन हो एक ही चीज होती है, यानी कि लंदन सोसाइटी के ऊपर लिखी गई है। ऑगस्टन एज में देखते हैं बेसिक रूल क्या है, मैन हैज टू फॉलो द नेचर, ठीक है, मैन को जो है वो नेचर फॉलो करनी है और वो नेचर का जिसे कहना चाहिए गुलाम है, ठीक है। आप देखेंगे कि बेलिंडा जो कि हीरोइन है वो
नेचर उसका कैसे पार्ट है और इंसान चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाए वो अपनी फितरत से भाग नहीं सकता. द प्योर स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट एंड जजमेंट दैट शुड कंट्रोल मैन्स आर्टिस्टिक एंडेवर. और प्योर स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट और जजमेंट जो है वो शुड कंट्रोल मैन्स आर्टिस्टिक एंडेवर. और ये जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट और जजमेंट है ये कंट्रोल करते हैं इंसान के आर्टिस्टिक एंडेवर्स को. Knowledge of classics or former civilizations देखी गई इस age of Augustans में. फिर strict adherence of rules and regulations. बहुत ज्यादा strict adherence of rules and regulations को expose किया गया. Heroic couplets जो हैं वो show किए गए suitable for lofty theme. Art subservient to nature. Art जो है वो subservient है to nature. Also called reason and common sense. इसको Augustan age को age of reason, age of enlightenment, age of pop, age of reason, age of common sense, ये सारे इसी के ही नाम है. 18th century के नाम है. 18th century जो है वो ये बहुत सारी चीजें represent करती है. उसके बाद जो है formalism, stiffer freedom of expression, various forms है mock epic, ode, epistle and epigram. और various forms जो है वो mock epic है, ode है, epistle है और epigram है. उसके बाद है पॉप्स मेथड जो है पॉप एंड द 18th सेंचुरी नो एडवांटेज ऑफ वर्नेकुलर स्पीच बट ही यूज्ड कोलोक्वियलिज्म मैच्योर आउटलुक पॉइज एंड कंट्रोल केयरफुल जजमेंट एक्सपोज शैडो फ्लॉज इन सोसाइटी. पॉप का जो मेथड है पॉप एंड द 18th सेंचुरी को अगर हम आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें नो एडवांटेज ऑफ वर्नेकुलर स्पीच वो कोई वर्नैक्युलर जैसे मिल्टन का ग्रैंड स्टाइल हमने देखा उस तरह की स्पीच नहीं है उसकी ठीक है. बट ही यूज कोलोक्वियलिज्म लेकिन वो यूज करता है कोलोक्वियलिज्म को यानी कि सिंबलिज्म को. मैच्योर आउटलुक पॉइज एंड कंट्रोल ठीक है एक मैच्योर आउटलुक के साथ पॉइज और कंट्रोल के साथ केयरफुल जजमेंट के साथ वो अपनी पोइट्री लिखता है. एक्सपोज शैलो फ्लॉज इन सोसाइटी इमिटेशन यस उसने इमिटेट किया था. Rape of the lock is the imitation of John Milton's Paradise Lost or any epic of his time. यानी कि उससे पहले जितनी भी epics लिखी गई थी उसने उसको उसकी imitation की थी उसकी copy की थी imitate किया था ठीक है. Recreation of a work recreate किया था उसने एक work को. Poem translation old into Augustan phraseology और उसने जो है ट्रांसलेट किया था ओल्ड को इनटू ऑगस्टन फ्रेजियोलॉजी. जैसे उसने होमर की लाइड को और एनीड को जो है उसने ट्रांसलेट किया था उसने जो है ऑगस्टन फ्रेजियोलॉजी में उसको ट्रांसलेट किया था और उसने रिक्रिएशन की थी वर्क्स की. पॉप एंड सोसाइटी ठीक है. पॉप और उसकी सोसाइटी कैसी थी ये तो हमने बात की. पॉप और 18th सेंचुरी कैसी थी पॉप और उसकी सोसाइटी कैसी थी. Pop funnet society उसके दौर में जो है funnet society होता था. For example rape on the law commentary on British legal system commentary हुई on British legal system के ऊपर biting satire against other दूसरों के बारे में बहुत biting satire ठीक है यानी कि चुभती हुई satire इसने की थी. Pop and the classic आप लोगों ने Jonathan Swift का Gulliver's Travels पढ़ा वो भी 18th century को represent कर रहा है और ये Pop की Rape of the Lock भी 18th century Augustan age को represent करती है. कभी कभी interview में किसी ने पूछ लिया ना Augustan age क्या होती है तो बता दीजिएगा जी Augustan age ये होती है ठीक है. और उसमें जो main जो दो नाम आते हैं ना एक Jonathan Swift का आता है और अलेक्जेंडर पॉप का आता है. ये दो मेन जो नेम्स हैं अगर आपसे कभी कोई पूछे कि जी 18th सेंचुरी के पोइट्स का नाम बताएं बता दीजिएगा जोनाथन स्विफ्ट और अगर आप उनके वर्क्स भी पूछें बता दें ये लिखा था पॉप ने जो है ये जो है रेप ऑफ द लॉक लिखी थी और इवन आपके जो आगे पीपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरह के सवाल आ रहे हैं ठीक है. तो पॉप और जो क्लासिक्स हैं लुक टू होमर फेवरेट एंड फ्रेंच क्लासिकिज्म. अब पॉप और क्लासिक्स का आपस में क्या था आपस में जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट या उनका क्या ताल्लुक था रिलेशन क्या था. वो होमर जो है वो उसका फेवरेट था और फ्रेंच क्लासिकिज्म उसको बहुत पसंद थी. पॉप एंड डाइडेक्टिक पोएट्री पॉप और डाइडेक्टिक पोएट्री को देखते हैं. डाइडेक्टिक एक ऐसी पोएम को कहते हैं जो सच पे कोर्ट्स पे मॉरल कोर्ट्स पे डिपेंड करती है जिसके अंदर कोई मैसेज होता है जो लेसन टू सोसाइटी जो है वो दिखाया जाता है. टीच लेसन्स टू सोसाइटी
Both spring eternal in human breast, and a little learning is dangerous thing. ये जनाब इसकी कुछ teachings थी जो कि वो बताता है. ये बेटा quotes जो हैं आज add कर लीजिएगा अपनी books के ऊपर. Both springs eternal in human breast. वो hope करता है springs को कि वो कहता है कि both springs eternal in human breast. ये जो hope है ये हमेशा springs eternal human breast में ये हमेशा होप जो है वो स्प्रिंग एटर्नल ही रहती है. यानी कि उसके दिल में हमेशा जो है ये होप जो है वो स्प्रिंग होती रहेगी एटर्नली. अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग. और वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा जान. ठीक है, तो लिटिल लर्निंग जो होती है यानी कि किसी भी चीज में अगर हमारी कम इल्मी है कज फहमी है तो हम कन्फ्यूजन्स का शिकार हो जाएंगे. सेम इज द केस, क्योंकि हमें दीन का प्रॉपर इल्म नहीं होता तो हम डिफरेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं. लिटरेचर का प्रॉपर इल्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा. तो ये जो इतना सा ये जो हम छोटा 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 हर जगह से ले लेते हैं एक्चुअली हम अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं. तो कोशिश किया करें कि जब लर्निंग ही करनी है तो फिर प्रॉपर करें. ठीक है, प्रॉपर करें और उसको पूरे तरीके से अपने साथ लेके चलें. अच्छा जी, उसके बाद जो है पॉप्स मेथड देख लेते हैं. पॉप एंड पोएटिक फॉर्म देख लेते हैं कि क्या हीरोइक कॉपलेट में उसने लिखा था. ठीक है, जिसमें राइमिंग स्कीम सेम होती है. लॉफ वेयर वी मस्ट बी कैंडिड वेयर वी कैन बट विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन. ठीक है, वो कहता है लॉफ वेयर वी मस्ट, वहां हंसो जहां पे हमें हंसना चाहिए. बी कैंडिड वेयर वी कैन, वहां पे कैंडिड हो जाओ जहां पे हमें होना चाहिए. और बट विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, लेकिन जो है विंडिकेट करो वेज ऑफ गॉड टू मैन. अब पढ़ते हैं रेप ऑफ द लॉ. रेप ऑफ द लॉग जो है वो एक सटायर है और मोक हीरोइक पोएम है. सटायर किसे कहते हैं? द यूज ऑफ आयरनी सरकाज़म रिडिक्यूल और लाइक इन एक्सपोजिंग डिनाउंसिंग और डिराइडिंग वाइस फॉली एक्सेट्रा. सटायर जो है वो बेसिकली यूज ऑफ आयरनी है, सरकाज़म मजाक उड़ाना. ठीक है, रिडिक्यूल भी मजाक ही उड़ाना होता है. सरकाज़म एक ऐसे मजाक को कहते हैं जिससे हमें हंसी आ जाती है, मतलब हमारी हंसी फूट पड़ती है. रिडिक्यूल किसी का मजाक उड़ाना और लाइक. अब ये सारे डिवाइसेस ऑफ सटायर है, आयरनी है, सरकाज़म है, मॉक है, रिडिक्यूल है, पंजन सटायर हो जाती है और ह्यूमर है. ये सब क्या है? ये सटायरिकल डिवाइसेस है इन एक्सपोजिंग डिनाउंसिंग और डिराइडिंग वाइसेस फॉली, जिसमें हम एक्सपोज करते हैं डिनाउंस करते हैं यानी कि डिनाउंस कर देना इनकार कर देना, डी राइडिंग वाइस बुराई को का इनकार कर देना और फॉली जो है उसका मजाक उड़ाना या उसको एक्सपोज करना एक्सेट्रा. मोक हीरोइक इज अ फॉर्म ऑफ सटायर दैट अडॉप्ट्स द एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल ऑफ क्लासिकल एपिक पोएम टू अ ट्राइबल सब्जेक्ट. मोक एपिक में क्या होता है, हम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जिसको लेके चलते हैं, लेकिन मोक एपिक क्योंकि उसका ऑपोजिट होता है तो इसमें ट्राइबियल यानी कि बिल्कुल ही मीन सा एक टॉपिक लेके एक सब्जेक्ट लेके आगे चला जाता. उसके बाद देखते हैं एपिक्स की कन्वेंशंस क्या थी, एपिक की ट्रेडिशंस क्या थी. हाई फॉर्मल डिक्शन उसके अंदर यूज की जाती है. इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज मशीनरी फॉर एग्जांपल गॉड्स और सुपरनेचुरल फिगर्स. गॉड स्पीक टू हीरो इन ड्रीम. गॉड जो है वो स्पीक करता है हीरो इन अ ड्रीम. द आर्मिंग ऑफ द हीरो. ठीक है, हीरो को आर्म किया जाता है, उसको असले के साथ लेस किया जाता है. सेक्रीफाइस टू गॉड्स. ठीक है, सेक्रीफाइस होता है टू गॉड्स. एग्जॉर्टेशन ऑफ जनरल्स टू ट्रूप्स. एग्जॉर्टेशन होती है जनरल की ट्रूप्स के साथ. उसके बाद कैटलॉग ऑफ आर्मीज, बैटल सीन्स, डिसेंट इनटू अंडरवर्ल्ड और इंटरसेशन ऑफ गॉड्स और एसेंशन ऑफ डेड इनटू हेवन. और जो है डेड को हेवंस के अंदर जो उठाया जाता है उनकी असेंशन यानी कि असेंशन उठाया जाना. उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं. रीफैशन लाइक वर्जिल्स एनीड और होमर्स ओडिसी. इसको रीफैशन किया गया लाइक वर्जिल की एनीड और होमर की ओडिसी. पॉप हैड थ्री एम्स. तीन एम्स थे पॉप के. पैच अ फ्यूड बिटवीन टू वेल नोन फैमिली. अ लॉक ऑफ हेयर वॉज टॉल. एक्चुअली दो फैमिलीज की आपस में लड़ाई हो गई थी जो कि पॉप के ही जानने वाले थे, फ्रेंड्स थे इसके. इनका पैचअप कराना था इसने, लेकिन दोनों के अंदर ही अना बहुत ज्यादा थी, इस वजह से पैचअप हो नहीं रहा था. तो पॉप के एक फ्रेंड ने उसको कहा कि तुम ऐसा करो, तुम एक पोएम लिखो और फाइनली इस ताकि इस दोनों जो फैमिलीज हैं इनका पैचअप हो जाए. और हुआ एंड में यही कि इसकी पोएम लिखने के बाद जो है दोनों फैमिलीज का आपस में पैचअप भी हो गया.
अच्छा जी, ridicule the shallowness and useless frivolity in the upper class. और ridicule करता है shallowness को और useless frivolity को upper class में. Make fun of epic conventions और epic conventions का वो मजाक उड़ाता है. Three prominent Roman Catholic families, the Carrolls, the Fermors and the Peters. ठीक है, ये तीन families थी जो कि Roman Catholic families थी जो कि आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा. Fermors had a daughter named Arabella. Peters had a son, Lord Peter. Lord Peter cut off a lock of Arabella's hair as a joke, causing the bitter quarrel. John, Lord Peter जो है वो Arabella farmer की जो है लट काट देता है एज अ जोक, मजाक मजाक में ना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा फसाद हो जाता है. जॉन कैरल आस्क्ड बॉब इफ ही कुड राइट अ पोएम टू हील द ब्रीच. जॉन कैरल जो है पॉप का बहुत क्लोज फ्रेंड होता है और इन दोनों फैमिलीज का भी होता है. वो कहता है तुम ऐसा करो, एक पोएम लिखो ताकि हील कर दें द ब्रीच, यानी कि इन दोनों फैमिलीज के दरमियान जो फासला है उसको खत्म किया जा सके. अब इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं. वेलिंटा का कैरेक्टर है जो कि मॉक कैरेक्टर है. किसका? अरबेला फार्मर. अरबेला फार्मर इज द रियल, मतलब जो कि असल कहानी अरबेला फार्मर की थी, लेकिन इसने जो फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया वो वेलिंटा था. द बैरन और लॉर्ड, जो बैरन और लॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है रॉबर्ट लॉर्ड पीटर ऑफ एसेक्स को. द म्यूज, म्यूज गॉडेस ऑफ पोएट्री को कहा जाता है लेकिन यहाँ पे वो म्यूज रिप्रेजेंट करती है जॉन कैरल को. सर प्लियम सर जॉर्ज ब्राउन को शो करती है. थैलेस्ट्रिस एंड अमेज़न, थैलेस्ट्रिस जो है वो लेडी ब्राउन को शो करती है. और क्लारिसा जो है वो एक अननोन पर्सनैलिटी है. नो वन नोज कि हु वाज क्लारिसा, यानी कि रियल कैरेक्टर्स में कौन था. बट थैलेस्ट्रिस जो है वो लेडी ब्राउन को शो करती है जो कि बेलिंडा की आंटी थी और जो जो है जलती पे तेल डालने का काम करती हैं. उसके बाद लोकेशन देख लेते हैं. प्लेसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं सेटिंग्स. कहाँ सेटिंग्स बोला जाता है? प्लेसेस, लोकेशन, इसको सेटिंग्स बोलते हैं. प्लॉट, सेटिंग्स, थीम्स, ठीक है, ये एक ड्रामा या जो भी आपके लिटरेचर में होते हैं कुछ स्टेप्स होते हैं उसमें इसको सेटिंग्स भी बोला जाता है. प्लेसेस जो है उसकी मॉल, द मॉल में हैम्पटन कोर्ट, द रिंग और रोजेमोंडास लेक. और रोजेमोंडास लेक जो है ये इसकी सेटिंग्स हैं. यहाँ पे ये पोएम जो है इन सेटिंग्स के ऊपर लिखी गई, प्लेसेस के ऊपर. इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स देखते हैं. यूज ऑफ सेल्फ पार्ट ऑफ एपिक मशीनरी, ठीक है. अब क्योंकि ये एपिक थी इसलिए इधर सुपर नेचुरल मशीनरी चाहिए थी, हेवनली बॉडीज चाहिए थी, ठीक है, हेवनली कैरेक्टर्स चाहिए थे. तो पॉप ने इधर यूज ऑफ सेल्फ जो है एरी सेल्फ यानी कि एंजल्स को एज अ सेल्फ यूज किया. पार्ट ऑफ एपिक मशीनरी बोरोड फ्रॉम द क्लासिक्स, और इनको क्लासिक्स से लाया गया, यानी कि ये जो सेल्फ जो थे ये बेसिकली क्लासिक्स के अंदर जो हेवनली बॉडी थी उसको कहा जाता था, या स्पिरिट्स जो थे उनको कहा जाता था. द गेम ऑफ ऑम्बर, ठीक है, गेम ऑफ ऑम्बर देखेंगे जो कार्ड्स की गेम होती है किस तरह से खेली जाएगी और उसको जो है एक जंग का मैदान बना दिया जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ पोएम देखते हैं. फाइव कैंटोज है, फाइव कैंटोज पे बेस करती है. रेगुलर राइमिक कॉपलेट है इसका, और इसका रेगुलर राइमिक कॉपलेट है. इसके बाद आपको मैं एक स्लाइड और पढ़ाऊंगी और उसमें आपने मेन पॉइंट्स नोट करने हैं कि पांचों कैंटोज की आउटलाइन क्या थी, क्योंकि जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन करेंगे ना आप भूल जाएंगे कि किस कैंटो में क्या था. उसके बाद देखते हैं रिसर्च ड्यू 1212 सिल्फ सेलेमेंडर्स अंडाइंस जी नॉर्म्स, सॉरी नॉर्म्स एंड देयर कनेक्शन. अच्छा इसमें जी जो है ना साइलेंट है, इसमें नॉर्म्स एंड देयर कनेक्शन टू पैरासेल्सस, ठीक है, सेल्फ सेलेमेंडर्स अंडाइंस और नॉर्म्स जो है एंड और उनका कनेक्शन टू पैरासेल्सस. गेम ऑफ ओम्बर जो है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट है. लर्न हाउ टू प्ले एंड टीच अस. मॉक एपिक जो है ऑड एपिस्टल और एपिग्राम, ठीक है, इसके अंदर मॉक एपिक एपिस्टल और एपिग्राम और हीरोइक कॉपी